अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल रहती है मीठा बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूं फ्रेश मिल्क से खोया। तो ये सिर्फ एक चीज़ से ही बनेगा, ये दूध से ही बनेगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये खोए की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ 1 किलो दूध से। तो ये मैंने ले लिया है, अच्छा खासा बन जाता है 1 लीटर से। ये मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर और अब मैं करूंगी फ्लेम को ऑन। और इसके अंदर हमें बस कुछ भी नहीं डालना। तो अभी मैंने जो है फ्लेम को किया हुआ है मीडियम हाई और इसके अंदर बस मैंने इस तरीके से इसको, जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा इस तरीके से मैं इसमें चलाती रहूंगी स्पैचुला। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आप खोया घर में बना रहे हैं तो नॉन स्टिक में बनाएं ताकि वो नीचे लगता नहीं है, तो ईजीली बन जाता है। देखिए बस जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तो इस तरीके से मैं इसको करती रहूँगी और जब उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद मैं इसका फ्लेम करूँगी लो। ये देखें दूध में उबाल आ चुका है और मैं अभी तक इसको इसी तरीके से चला रही हूँ। और ये जो साइड्स पे आ रहा है ये इसको मैं इस तरीके से स्पैचुला से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब हमने इसके दूध को जो है हम रिड्यूस करेंगे, इसके अंदर जो पानी होगा, पानी का कंटेंट जो होगा तो उसको हमने करना है रिड्यूस। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप दूध को अटेंड नहीं कर सकते तो आप इसको मीडियम फ्लेम से लो पे कर दीजिए। और अगर आप इस तरीके से जिस तरह मैं अभी खड़े होकर कर रही हूँ इसको कर सकते हैं तो मैं इसको हाफ होने तक इसी तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर ही करूँगी। ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा लेकिन फिर मुझे यहीं खड़ा होना पड़ेगा दूध के साथ। तो बस मैं इसको हाफ करूँगी और इसी तरीके से चलाती रहूँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं इसका फ्लेम कितना लो करूँगी। ये देखें ये कितना रिड्यूस हो गया है, ये देखें। और इसको तकरीबन जो है 25 मिनट हो गए मैं इसी तरीके से इसको चला रही हूँ। और अब जाके 5 मिनट पहले जो है मैंने इसका चूल्हा जो है वो कम किया है क्योंकि ये अब बहुत कम ही रह चुका है और हमने इसके अंदर से बिल्कुल जो ये लिक्विड है ये ख़त्म करना है। और देखें मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ तो इसके अंदर नीचे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये देखें नीचे से। तो बस इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद। ये देखें ये कितना हद तक पूरा हो चुका है, बन चुका है। बस इसको 2-3 मिनट में और इसी तरीके से पकाऊंगी। तो ये जो बबल हो रहे हैं ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा भी है दूध तो ये ड्राई हो जाएगा। और देखें इसको मैंने जब हल्की फ्लेम पे इसको मैंने रखा है थोड़ी देर पकने के लिए और मैं कंटिन्यू इसको नहीं चला रही थी तो ये देखें इस तरीके से ये लग जाता है। लेकिन ये बहुत ही हल्का सा लगा है इसके अंदर तो इस तरफ मैं इसको नहीं चलाऊंगी स्पैचुला को, आइए। और मैं अगर मैं इसको भी चलाऊंगी तो इसके अंदर की ये जो ब्राउन लेयर है ये आ जाएगी हमारे खोए में तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको बस 1-2 मिनट पकाती हूँ और इसको फिर मैं करूंगी डिश आउट और ये मज़ेदार सा खोया तैयार हो जाएगा। और इस खोए से आप कोई भी खोए वाली जो मिठाई होती है गुलाब जामुन वगैरह या जर्दे में डालते हैं ऊपर से तो ये हर चीज़ में काम आएगा। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो ये मिलना बहुत ही मुश्किल है तो इसलिए मैं इसको घर पे ही बनाती हूँ और ये इतना फ्रेश बनता है कि बाज़ार में तो उतना फ्रेश कभी हमें मिलता ही नहीं था। तो बस इसको देखें ये 1 किलो दूध से कितना ज़्यादा बन गया है। तो चलें इसको बस मैं डिश आउट करूँगी 2 मिनट के बाद, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये खोया मैंने बना लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त खोया बना है, ये बिल्कुल जो हम हलवाई के यहाँ से लेकर आते हैं मिठाई की दुकान से ये वो वाला मैंने बनाया है। और इससे आप कोई सी भी मिठाई बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।